गया तुम्हारा शुभम। सो गाइस वेलकम बैक, अरे क्या है, वेलकम बैक टू द चैनल। और अरे नहीं पहनना है, मैं यही आजू बाजू में जा रहा हूँ यार। अरे यार ये क्या है यार, ऐसा जादू बन के जाऊंगा क्या? फेस तो दिखाओ अपना जादू वाला। अभी तो धूप भी नहीं है यार। मम्मी को भी दिखाऊं क्या? मम्मी को भी दिखाऊं? मम्मी मतलब हेलमेट अगर इंसान नहीं पहनेगा तो वो क्या ऐसे चल जाएगा क्या? ये बांधने वाले हैं। हाँ यार ये कैसे निकल रहा है, कैसा लग रहा है? अरे ये हेलमेट नहीं है तो ये थोड़ी चलेगा, पुलिस वाले कहेंगे कोई बात नहीं। एक्टिवा पे वो शुभम के साथ जा रहा हूँ। चलो देखते हैं। हाँ क्या हुआ? मैं कह रही हूँ जाओ जाओ एंजॉय करके। देखो इसकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी यहाँ पे खड़ी हुई है, बताओ बाहर है। जाओ जाओ एंजॉय। भाई ये ताना था क्या? नहीं मुझे भी वैसे ही लग रहा है। तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। ऐसे ताना देती है, ताना ऐसे होता है। जाओ जाओ एंजॉय करो आप तो। ये होता है। अरे क्या चाबी ऐसे निकल जाती है? ये तो ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए मतलब एक तरीके से शॉकर हो जाएगा, चालू करके बंदा निकल जाएगा। यार बाहर निकलने से पहले ही दो नंबर के काम शुरू कर दिए इसने तो यार। गाइस अभी फिलहाल हम आ गए वाइट अर्थ में, सफेद धरती। हाँ सफेद धरती, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे वो नहीं पता, पहले देखते हैं। तो हम शराफत तो हमारी यहीं से शुरू हो गई, ओवरलोड हो गई थी परिवार तो। हमने कहा आप जाओ, उन्होंने भी एक बार सोचा होगा आज शाम को महापुरुष टकरा गए हमसे। हाँ आ गए भाई आ गए। अच्छा ये तो रेस्टोरेंट आ गया वाइट अर्थ का। शुभम यहाँ पे प्राइवेटली बैठ सकते हो तुम, डेट पे आओगे तो। ये देखो ऊपर, ये देखो हैप्पी बर्थडे टू यू कर सकते हो यहाँ पे तुम अपनी गर्लफ्रेंड का। वो तो है ना, कितना झूठ बोल रहे हो तुम, है कितना झूठ बोल रहे हो। एक सेक्शन ये भी है। ये थोड़ा कट कर दो पड़ेगा। अरे कर दूंगा मैं यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, देखे तो सही यार। नहीं किया होता क्या? नहीं। तो गाइस ये देख लो यार, एक तो सेक्शन ये है, मुझे लगता है कि भूखे जोधपुर में अपन ही है, पूरा खाली पड़ा है। उसके अलावा ये देखो यहाँ पे बढ़िया सुंदर सजा रखा है। काफी सही है यार, गर्लफ्रेंड के साथ में या फिर बीवी के साथ में अगर आओ तो। शुभम पता नहीं क्या ही दिखा रहा है। दुनिया से अलग, दुनिया की वो नजरों से बच के हैं दूसरी धरती पे। जगह दिखा रहे तो पूरी दिखाएं कि देख लो सिर्फ ऑफ ब्लिस। अब ब्लिस का सिर्फ कैसा होता है वो तो पता ही होगा। आ जाओ यार, ये बार है या क्या है समझ नहीं आ रहा। क्या है बार है क्या? अरे बार नहीं है यार, ये तो अपने वो मॉकटेल कॉकटेल वाली चीजें, मॉकटेल वाली। सॉरी रेडबुल। तो भाई अब चल रहे हैं ऊपर। यू आर एट वाइट अर्थ। भाई ये तो ब्लू लग रहा है यहाँ से, तो वाइट कम लग रहा है ना, मतलब थोड़ा नाम को सार्थक कर देता। चलो भाई, आज तो हमने अपने ऋग्वेदा को धोखा दे दिया भाई। वो रहा सामने ऋग्वेदा। उसके सामने ज़्यादा ही जूम हो गया, इसके सामने आके बैठ गया आज तो। वो जो ऊपर वाला ये हॉल देख रहे हो ना, यहाँ पे उस दिन हमने पार्टी करी थी, यहाँ पे मम्मी के बर्थडे की। यार अपने डब्बू, अपने डब्बू तो नहीं पड़े वहाँ पे, लेके चलते हैं। हाँ मुझे लग रहा है वो सामने पड़े हुए भाई। ये कौन सा रोल है भाई? ये मैंने नाम नहीं सुना लेकिन कोई रोल है ये। शुभम कौन से रोल है? मैं भैया से यार चार बार पूछ लिया अभी तक नहीं ले पा रहा हूँ नाम ढंग से। स्पाइडर रोल है, है? एक एक ही दो हम ले लेंगे भैया। थैंक यू। लगने में तो बहुत डेंजरस लग रहे हैं यार। तो भाई ये आ गया हमारा पनीर टिक्का। भैया पनीर टिक्का है या कोई डिफरेंट है? ये मारवाड़ी पनीर टिक्का है भैया। और ये हमारा कौन सा शेक था भैया?
ब्लूबेरी चीज केक शेक, ये फैंसी हमारा फैंसी आदमी के लिए शेक है। तो ये वाला जो रोल जिसका अभी भी स्पाइडर रोल है, स्पाइडर ये स्पाइडर है, SPIDER स्पार्टन तो नहीं, स्पाइडर वाला। तो लेकिन यार ये सही चीज है, तुमने खाया ना, तुमको कैसा लगा? अच्छा यार, अब ये जो है ना, ये कह रहे हैं कि जोधपुर में यहीं पे मिलता है ये वाला जो इन्होंने बनाया है, दुआ निकालते हुए लाए ना पनीर, इसको भी थोड़ा सा टेस्ट अपन कर ही देते हैं। तुम देखो मेरे को टेस्ट करते हुए, महसूस करो टेस्ट कैसा है। नहीं यार चीज़ तो ठीक है, लेकिन इतना स्पाइसी नहीं है, मतलब इतना स्पाइसी माइल्ड है। हाथ में क्या है तुम्हारा शुरू? तो भाई अब सच चुकी है, हैं पूरी प्लेट, प्लेट क्या बोलते हैं इसको, टेबल सच चुकी है। भाई का हमारा है शेक तो फैंसी, तो असली पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ उसमें। तो भाई आ गए हैं अब नीचे, अब हम और जा रहे हैं ऊपर। हमारे प्यारे सब्सक्राइबर भी मिले थे, तो मैंने उनको कहा था कि ब्लॉग चल रहा है, आना चाहो तो, कि नहीं हम बीमार हैं, बीमार थे थोड़ा। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसे आप लोग बीमारी में पार्टी करनी है, तुम बीमार पड़ोगे तो पार्टी करेंगे अब हम नहीं, लेकिन आप लोग जैसे मिलते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तुमको भी अच्छा लगा? इसको भी अच्छा लगा भाई, इससे भी मिल लिया करो, जा दिखे ये पकड़ लिया करो उसको, तो जाने भी मत दिया करो है, और पार्टी किया करो, बिल पे करके जाओ। हाँ, इससे बिल पे करवाया करो। ऑलराइट, नेक्स्ट डे है और अभी फिलहाल आए हुए हैं नानी साहब के यहाँ पे, मम्मी और हम सब, और बढ़िया बनाने के लिए आए थे। तो नानी साहब ऊपर बैठते हैं और वो ध्यान भी रखते हैं, तो हमने कहा हमारे यहाँ पे नानी साहब की भी है, मम्मी की भी है, तो सबकी सम्मिलित बढ़िया ऊपर बनाई गई है। एक बार मैं ऊपर चलता हूँ, दिखा के आता हूँ। और हमारे यहाँ तो आज भी मतलब ये बढ़िया वगैरह घर पे बनी जाती है, और अभी ये चकरा जाती रहती का मेरे से, ये रही आप, ये रही। तो अभी भी आप लोगों के यहाँ पे बनाते होंगे, क्योंकि बाजार से जो बढ़िया लाते हैं ना, उसके अंदर जो नेसेसरी मसाला नहीं होता ना, वो भी वो डाल देते हैं। तो क्या है कि थोड़ी सी ट्रेडिशनल सब्जियों को लेके मैं और मम्मी दोनों ही इमोशनल हैं, वो मतलब वो स्वाद, वो टेस्ट नहीं आता। अब देखो ऊपर मेन्यू पे दी हुई है, मैं चल के और दिखाता हूँ एक बार। आ गए हैं छत पे, तो मम्मी वाले वीडियो में देख लेना कैसे बनाई है, मेरे वाले में तो भाई मैं बनाई हुई मतलब अब तो सूख रही है। ये देखो ये दे रखी यहाँ पे, तो अभी भी आप लोगों के यहाँ पे ये बढ़िया वगैरह देते हैं कि नहीं देते हैं बताना मुझे नीचे कमेंट में, क्योंकि भाई असली स्वाद तो इनके अंदर ही आता है। तो भाई मैंने सोचा कि भाई दिखा दूँ कि आज भी जो इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, बाज़ार से लाई हुई से बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं नीचे, नमकीन वमकीन है वो खाते हैं कुछ, और बातें वातें करते हैं सबके साथ में।